अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिहान टून्स डॉट कॉम। रिहान टून्स डॉट कॉम के अंदर हम 3D स्टूडियो मैक्स लर्निंग के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने बात की थी कुछ टूल्स की, जो एसेंशियल टूल्स हैं जिनका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम मैक्स पे काम करना चाहते हैं। तो हमने कमांड पैनल के मुतालिक थोड़ी सी बात की थी। ये हमने कहा था कि 3D स्टूडियो मैक्स का दिल है एक तरीके से। तो अगर हमें 3D स्टूडियो मैक्स कुछ चलाना है, सीखना है, तो हमें कमांड पैनल के ऊपर कमांड हासिल करनी होगी, तभी हम 3D स्टूडियो मैक्स को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। फिर हमने बात की थी टाइमलाइन के हवाले से कि टाइमलाइन होती क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर। आज हम बात करेंगे मटेरियल एडिटर की। मटेरियल एडिटर होता क्या है? मटेरियल एडिटर रेंडर मेन्यू के अंदर आप देख रहे हैं कि ये रहा मटेरियल एडिटर। इसकी शॉर्टकट की जो है वो M है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो हमारे पास खुल जाती है। ये है वो मटेरियल एडिटर। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत इनडेप्थ है और इसको भी समझने की ज़रूरत है। हमने बात की थी 3D स्टूडियो मैक्स के हवाले से कि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और तकरीबन उसके तमाम ही ऑप्शन, तमाम ही फंक्शन उसके टाइम मांगते हैं अगर हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट, हमें क्वालिटी सीन अगर निकालना हो। तो हम बात करते हैं मटेरियल एडिटर की। मटेरियल एडिटर है क्या? हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो वो रियलिस्टिक रूप नहीं लेता। मतलब अगर मैं आपके सामने, अगर मुझे एक गोल्ड बार बनानी है तो मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा मैं और ये एज्यूम कर लें कि ये गोल्ड बार है। लेकिन कोई कैसे तसव्वुर करेगा, कोई कैसे मानेगा कि ये गोल्ड बार है? तो इसे हकीकत का रूप देने के लिए हम मटेरियल एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि हम इसके ऊपर मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग करके मतलब जो गोल्ड का जो लुक होता है हम वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आप बॉल्स देख रहे हैं, ये इन्हें हम कहते हैं स्लॉट्स। स्लॉट्स होती क्या हैं? स्लॉट्स होती हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के लिए हम जो मटेरियल असाइन करते हैं, वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हम बनाते हैं उनके लिए हम अलग अलग स्लॉट्स को लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये गोल्ड बार बनाई है, तो इसके लिए जो मैं गोल्ड बार की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो भी मैं इस पर अप्लाई करूँगा, तो वो इसी गोल्ड बार पे, इसी बॉक्स पे अप्लाई होगी। इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो मैं उसके लिए अलग स्लॉट को लूँगा, और अगर इसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो मैं हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्लॉट को लूँगा और उस पर मुख्तलिफ मैपिंग अप्लाई करूँगा और उसके बाद उसको मैं अप्लाई करूँगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये स्लॉट का काम होता है। मटेरियल एडिटर के बारे में इंशाल्लाह हम अपने आने वाले एपिसोड्स के अंदर डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से इसके थ्रू हम काम निकाल सकते हैं और मुख्तलिफ मटेरियल्स को अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके उसको हकीकत का रूप देते हैं। हमें अपना फीडबैक देने के लिए फेसबुक पे हमारे पेज को ज्वाइन कीजिए। एड्रेस है www.facebook.com/rehantoons और हमारी वेबसाइट है rehantoons.com। शुक्रिया।